ड्रग मामले विच अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया दी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई हुई सी। हुण बिक्रम सिंह मजीठिया दे केस दी सुनवाई 19 अप्रैल तक टाल दित्ती गई है। दस दईए कि बिक्रम सिंह मजीठिया दे लई हजे कोई फैसला नहीं होया तां हजे उह जेल विच ही रहणगे। बिक्रम सिंह मजीठिया दे मामले दी सुनवाई दौरान वकील ने कई अहम दलीलां दित्तियां ने। केस दी सुनवाई दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया दा कहना है कि उह जेल विच सुरक्षित नहीं हन, उन्हां नूं वार-वार बैरकां दे विचों शिफ्ट कीता जा रिहा है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी जान नूं खतरा भी दस्सिया। उन्हां दे वकील ने मोहाली कोर्ट च पटीशन पाई है जिस विच मुड़ तो स्पैशल बैरक च शिफ्ट किए जाने की मांग की गई है। जेल च उन्हां नूं गुंडा आंसरा ते गैंगस्टरा तो खतरा भी दस्सिया। बिक्रम सिंह मजीठिया का कहना है कि जदों का सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उदों तो सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैनू कदे किते शिफ्ट करते हैं तो कदे किते शिफ्ट करते हैं। कुछ दिन पहले ही मजीठिया आम बैरक च शिफ्ट कर दिता गया। दस दईए कि पंजाब च सत्ता च आने तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस मामले की विशेष जांच टीम बदल दिता। नवी टीम आई जी गुरशन सिंह संधू की निगरानी हेठ काम कर रही है। इस SIT के मुखी IPS अधिकारी S राहुल बनाया गया। दस दईए कि फिलहाल जी यह सुनवाई है वह 19 अप्रैल तक टाल दी गई है। 19 अप्रैल में हुण की फैसला आउंदा है वह जरूर देखना होगा।